राजकुमारी कहाँ रह गई? तुमने पुनः आने का वचन क्यों नहीं दिया? तुम्हें कुछ कहना है? पहले मैं, तुम अपना वचन दो या ना दो, पर मैं अपना वचन अवश्य रखूंगी। ये मेरी ओर से तुम्हारे जन्मदिवस का उपहार। ये हमारे लिए? हाँ। इतनी सुंदर चुनरी। चुनरी की लाली मानो रात के अंधेरे में भी सूर्योदय की लालिमा बिखेर रही है। देवी, इस जगत के प्रकाश के स्रोत वैष्णवी ही तो हैं। उनका प्रकाश पृथ्वी पर व्याप्त पापों के अंधकार को मिटाएगा। और जब जब मनुष्य निराशा और विषाद से घिरेगा, तब तब शेरा वाली आशाओं के दीप जलाकर उनके जीवन को उजियारे से भर देगी। संदेह प्रभु। ये बच्ची भारती नहीं जानती कि वैष्णवी को चुनरी ओढ़ाना उसके जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य सिद्ध होगा। भारती की चुनरी ओढ़ाना केवल वैष्णवी नहीं अपितु संपूर्ण सृष्टि सदा स्मरण रखेगी। और माता रानी के आवाहन में एक नया अध्याय जुड़ेगा। ये चुनरी उन्हें सदैव अत्यंत प्रिय होगी और माता रानी की ममता, कृपा और दया का प्रतीक बनेगी। नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी, नमो नमो अम्बे सुखकर्णी, निराकार है ज्योति तुम्हारी, तिहुलोक पहली कुचियारी, शशि ललाट मुख महाविशाला, नेत्रलाल रूपति विकराला, नमो नमो दुर्गे सुखकर्णी। हम देवी के मंदिर गए थे तब माँ ये लाई थी। हम क्या करेंगे इसका? तुम पर ही सुंदर दिखती है। अब बताओ, पुनः भेंट करने आओगी ना? इतने अंधकार में राजकुमारी को यहाँ लाना ये हमने सही नहीं किया। त्रुटिपूर्ण विचार था। यदि महाराज को ज्ञात हुआ तो उनके हृदय को ठेस पहुंचेगी और वर्षों का विश्वास एक क्षण में टूट कर बिखर जाएगा। अत्यंत त्रुटिपूर्ण था। हम पुनः राजकुमारी का जीवन संकट में नहीं डाल सकते। हमें जाकर राजकुमारी को लाना होगा। ये हमारी ओर क्या बढ़ रहा है? शुभ
राजकुमारी के मुख पर कैसी आभा है। आज राजकुमारी अत्यंत प्रसन्न दिखाई दे रही है। राजकुमारी को यहां लाने का विचार अनुचित नहीं था। राजकुमारी के सुख के लिए तो कुछ भी, किंतु अभी हमें दृढ़ रहना होगा। आइए राजकुमारी जी, हमें शीघ्र ही महल की ओर लौटना होगा। आइए। ओके। धन्यवाद सेनापति जी। आपके बिना ये कार्य संभव नहीं था। राजकुमारी जी, आपने आज जो यहाँ कार्य किया है वो प्रशंसा योग्य है, किंतु हम आशा करते हैं कि आज के बाद आप पुनः यहाँ कभी नहीं आएंगे। हमें आना होगा सेनापति जी। किंतु क्यों? वो तो ज्ञात नहीं, किंतु बड़ा अपना सा लगा, एक परिवार सा लग रहा था यहाँ। हमें आभास था कि आप कुछ ऐसा ही कहेंगी। बिल्कुल महाराज पर गई हैं आप। ऐसा प्रतीत होता है कि राजकुमारी वैष्णवी और महिपाल के बीच अंततः मित्रता हो ही गई। महिपाल, आप एकाएक मौन क्यों हो गए? क्या समस्या है? पढ़िए। इस समस्या का निवारण तो ईश्वर ही कर सकते हैं। अब महाराज, ये प्रशंसा पत्र है, हम अन्य पत्र पढ़ने के उपरांत इसे पढ़ते हैं। नहीं महिपाल, प्रशंसा पत्र पढ़ने में विलंब नहीं करते। पढ़िए। क्या हुआ सेनापति, आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं लग रहा। आप चिंतित ना हो पुत्री, वैष्णवी आप पढ़ दीजिए प्रशंसा पत्र।
कल भेजे भोजन धान और बीज के लिए आपकी आभारी हैं। इतने समय के बाद पेट भरकर भोजन किया, आपके इस उपकार और दया के लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। आप जैसा प्रजा पालक राजा पाकर धन्य हुए। परंतु ये कब हुआ? मौन क्यों है महिपाल? स्पष्ट कीजिए कि ये सब क्या है। महाराज वो हम बताते हैं महाराज। वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, कहाँ हो तुम? वैष्णवी कहाँ हो पुत्री? कदिका, वैष्णवी को देखा कहीं? हमारी चंचल राजकुमारी किस क्षण कहाँ है, ये तो केवल उसकी पायल बता सकती है। जहां जहां पायल की छमछम, वहां वहां हमारी वैष्णवी। अच्छा हुआ हमारा चंद्र सागर ऐसा बिगड़ा हुआ नहीं, उसे तो पायल भी नहीं पहना सकते ना। लड़का जो है अग्नि छूकर कहते दीदी, हमारा चंद्र सागर कभी भोजन छोड़कर नहीं भागता। उचित कह रही हैं आप कदिका, हमारा चंद्र सागर अपना भोजन छोड़ के कभी नहीं भागता। वो जब भी भागता है भोजन के पीछे ही भागता है, अन्यथा भाभी माँ, वो हमने वैष्णवी को दासियों के साथ प्रसाद के लड्डू लेकर राजसभा की दिशा की ओर जाते हुए देखा था। अच्छा, हम वही देखते हैं। सैनिकों, ये सब किसने भेजा? गांव वालों ने आभार व्यक्त किया है, कल रात को जो राजसी भोजन भेजा उसके लिए। ठीक है, अब जा सकते हैं। जी। हमने कल रात्रि किसी को राजसी भोजन भेजा था, हमें तो उसकी कोई सूचना नहीं है। यदि हमने नहीं भेजा तो यहां से भोजन लेकर गया कौन था? ये राजकुमारी, ये सब क्या है? महाराज, गांव वालों ने आभार व्यक्त किया है, कल रात्रि हमारे यहां से किसी ने उन्हें राजसी भोजन जो भेजा था। किंतु महाराज, प्रश्न ये है कि वो भोजन भेजा किसने था? पर ये क्या है तुम्हारा वैष्णवी? हमने ही भिजवाया है गांव वालों के लिए भोजन। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? हमारे जन्म दिवस पे जब हम भ्रमण कर रहे थे, तब हमने गांव वालों को आपके बारे में बुरा भला कहते हुए सुना। महाराज, रत्नाकर को तो अपने प्रजा की चिंता बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ फसलों के नष्ट होने के कारण किसान परेशान है, वहाँ महाराज अपनी पुत्री के जन्म उत्सव मनाने में व्यस्त है। खेत उजड़ने से भूखमरी की मार तो प्रजा को झेलनी पड़ती है, और महाराज का राज भंडार
वो तो सदैव भरा रहता है। हाँ। हमें सुनकर अच्छा नहीं लगा कि कोई हमारे पिता श्री के बारे में ऐसी बातें करे। हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हमें क्या करना चाहिए। उसके पश्चात हमें पता चला कि किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए उसकी जड़ तक जाना चाहिए। पिताश्री एक दुविधा है, यदि नकारात्मकता से सामना हो जाए तो उससे कैसे निपटना चाहिए। इस तलवार के सामने जब शत्रु आता है तो इसका एक ही उद्देश्य रहता है, शत्रु पर वार करके उसे परास्त करना। ठीक उसी प्रकार यदि हमारे सामने कभी नकारात्मकता आती है तो हमारा धर्म है कि हम उसके स्रोत तक जाकर उसको पूर्ण रूप से नष्ट करें, बुराई के अंत के लिए और अच्छाई के विजय के लिए। तो आपने क्या किया वैष्णवी? वो आप महाराज, राजकुमारी जी ने अपनी समस्या हमें बताई, हमने ही गांव वालों तक भोजन पहुंचाने की स्वतंत्रता ली। राजकुमारी के अनुरोध पर हमने ये बात आपको नहीं बताई। पुत्री वैष्णवी, किंतु ये सब आपने हमें क्यों नहीं बताया? क्योंकि पिताश्री कोई आपके बारे में बुरा भला बोले, आपके मान पर आंच जाए, ये हम सह नहीं सकते। हमें सुनकर इतना कष्ट हुआ कि ना तो हम भोजन कर पा रहे थे, ना ही हम सो पा रहे थे। तो ये सब आपको सुनकर कितनी पीड़ा होती? हम सब कुछ देख सकते हैं, किंतु आपको पीड़ा में नहीं देख सकते पिताश्री। महाराज, राजकुमारी की भावना निर्मल थी और उद्देश्य राज्य हित में था, इसीलिए मैं चाहकर भी इस नेक कार्य के लिए मना नहीं कर पाया। आप जानते हैं महिपाल कि हम आप पे कितना भरोसा करते हैं, किंतु आप कहीं सेनापति जी पर हमारे कारणवश राजद्रोह का आरोप ना लग जाए। आपके कार्य करने के तरीके पर हमें सूचित करके इसे और भव्य और व्यवस्थित रूप से किया जा सकता था, किंतु महिपाल इसका अर्थ यह भी नहीं कि जो आपने किया उस सोच या आपकी क्षमता पर हम प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, किंतु हमें अपनी पुत्री की अत्यधिक चिंता है और हम नहीं चाहते कि हमारी पुत्री को कोई भी हानि या कष्ट पहुंचे। क्या है इसमें, खोलिए इसे। मिठाइयां है महाराज। उनके आभार व्यक्त करने का ढंग प्रशंसनीय है और हम अपनी राजकुमारी पुत्री को धन्यवाद देते हैं कि उसने हमें श्रद्धा और प्रेम के योग्य बनाया। मान भी है, कितना भयभीत कर दिया था तुमने हमें। इतनी बड़ी हो गई हो कि माता पिता को बिना सूचित किए इतने बड़े बड़े कार्य करने लगी हो। हाँ, देखिए ना दीदी, अव्यर्थ ही चिंता कर रही थी। हमारी वैष्णवी लड़की हुई तो क्या हुआ, चतुर और सौम्य हृदय वाली लड़की है, अपने माता पिता को दुख पहुंचाने का कार्य कभी नहीं करेगी, है ना वैष्णवी?
महाराज, इस शुभ अवसर पर हमें प्रभु श्री विष्णु की पूजा कर उनके प्रति अपना आभार अपनी कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए। उनकी कृपा हम सब पर बनी रहे, उनके आशीर्वाद से ही सब संभव है। महाराज, हमें आज सायंकाल ही प्रभु श्री विष्णु की भव्य आरती का आयोजन करना चाहिए। हमारे अनुसार ये शुभ कार्य हमारी प्यारी वैष्णवी के हाथों होना चाहिए, है ना दीदी? अवश्य। भगवान विष्णु को आभार प्रकट करने के लिए हर क्षण हर पहर शुभ है। उन्होंने हमें इतना सुंदर राज्य, इतनी दयालु प्रजा और ऐसी अद्भुत पुत्री दी है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना किसी भी क्षण कर सकते हैं। वचन आपका है, आपने दिया है, आप ही मान रखें, हम नहीं। इसलिए हम भी आपसे एक वचन के प्रार्थी हैं। कैसा वचन महारानी? आप आज इस मंदिर के द्वार बंद करेंगे और हमेशा बंद ही रखेंगे। जब वैष्णवी का साक्षात्कार स्वयं भगवान विष्णु से होगा और उसका हर निर्णय मानवता के कल्याण के लिए होगा, तो यही हमारा वचन आता है। राजकुमारी जी, कल आपने बहुत ही नेक कार्य किया। हम आपके साहस और नेक हृदय का सम्मान करते हैं। हमें लगा ये खीर से उपयुक्त और क्या उपहार हो सकता है, वो भी जिसे स्वयं उन गांव वालों ने अपने हाथों से बनाया है जिन्हें आपने कल भोजन करवाया था। उन्हें मिले अन्न से पका हुआ ये पहला व्यंजन है, इसीलिए ये भेंट तो आपको पहुंचनी चाहिए थी। लीजिए। हमने पिताश्री से। राजकुमारी, आपने कुछ भी असत्य नहीं कहा है, आपने वही कहा जो किया। हमने इस बारे में बहुत विचार किया और हमें महाराज की कही हुई एक बात स्मरण हो आई, सत्यम ब्रुयात प्रियम ब्रुयात ना ब्रुयात सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतम ब्रुयादेश धर्मा सनातना। इसका अर्थ? इसका अर्थ है सत्य बोलो प्रिय बोलो, जो अप्रिय हो वो सत्य मत बोलो, और जो प्रिय है किंतु असत्य है वो भी मत बोलो, यही सनातन धर्म है। हमें उस समय इसका अर्थ समझ नहीं आया, किंतु आज आपके कारण हमें ये बात समझ आई है। हम सदैव आपके कृतज्ञ रहेंगे राजकुमारी, ये लीजिए। अरे भारती, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों में ये आंसू कैसे हैं? पता नहीं माँ, ऐसा लग रहा है मानो कोई मनोकामना पूर्ण हो गई हो। भक्त के हाथों ये देवी का पहला भोग है नारायण। देवी लक्ष्मी, माता रानी की यदि कोई पूर्ण भक्ति पूर्ण श्रद्धा से खीर का भोग चढ़ाएगा तो उन्हें स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। प्रतीत होता है कि भक्षण दूर नहीं, तब वैष्णवी का
आपसे साक्षात्कार होगा, है ना? संयम पुत्र आओ भीतर, पूजा का समय हो गया है। आओ कदिका। देखिए महारानी कहाँ है। अभी और कितना प्रतीक्षा करवाएगी ये वैष्णवी। हमें पूजा आरंभ करनी चाहिए महाराज, वैष्णवी आ जाएगी। कितना विलंब करती है वैष्णवी, कब दिया लेकर आएगी, कब आरती आरंभ होगी, कब समाप्त होगी, मुझे प्रसाद कब मिलेगा। मैं यही प्रतीक्षा करूंगा वैष्णवी की। छोटी बच्ची को ऐसा क्या कार्य आन पड़ा कि पूजा में ही नहीं आई। हमें जाकर देखना होगा। प्रभु, 9 वर्ष पश्चात ये मुहूर्त आया है भगवान, आपकी भक्त आपके द्वार खड़ी है। यहाँ से तो भगवान के दर्शन भी नहीं होंगे। तो क्या हुआ? इनके दर्शन तो हो रहे हैं ना? पल पर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए और कार्य किसी और पे।
में छोड़ देना चाहिए। आयु, आरोग्य, प्रसिद्धि, समृद्धि में निरंतर वृद्धि हो। खुश रहो। आखिर इन दोनों ने मंदिर में वैष्णवी को प्रवेश क्यों नहीं करने दिया? पता लगाना ही होगा। नारायण, अनायास आप इतने विचलित ना हो, एक ना एक दिन वैष्णवी से आपका साक्षात्कार अवश्य होगा। प्यारे लड्डू को और लड्डू चाहिए, ये लो। अच्छा, हमारे प्यारे चंद्र, एक बात तो बताओ, ये वैष्णवी मंदिर में प्रवेश क्यों नहीं करती? अरे, जब रानी माँ ने मना किया है तो प्रवेश कैसे करेगी? अच्छा, रानी माँ ने मना किया है। हमारे चतुर पुत्र चंद्र, एक बात तो बताओ, तुम्हें तो अवश्य पता होगा कि मंदिर की चाबियां कहाँ रखते हैं ना? रानी माँ के पास। अरे चंद्र, जल ग्रहण करोगे? क्यों? तो सारे लड्डू चाहिए?
किंतु उसके लिए तुम्हें हमारा एक कार्य करना होगा। करोगे ना? हमने पूछा करोगे या नहीं, ये हुई ना बात। हमें ये तो पता नहीं कि इसके पीछे का रहस्य क्या है, किंतु हम याद तो करके रहेंगे और इसका आरंभ वैष्णवी को मंदिर में ले जाने से होगा। बात क्या है क्या नहीं ये तो पता नहीं, किंतु ये निश्चित है कि वैष्णवी के मंदिर में प्रवेश करने से कोई ना कोई कांड अवश्य मचेगा। कुछ और हो ना, ये देखकर हमें आनंद बड़ा आएगा। कहाँ गिर गया, मिल ही नहीं रहा। क्या हुआ काकी, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप क्या ढूंढ रही हैं? देखो ना वैष्णवी, हमारा झुमका गुम गया, मिल ही नहीं रहा। कब से ढूंढ रहे हैं? यहाँ से अपने कक्ष ही गए थे, सारा कक्ष ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रहा। कक्ष में भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो कहाँ गिरा होगा? आप कहाँ से आ रही हैं? हम मंदिर से आ रहे थे। तो अवश्य मंदिर में ही होगा, अब वहीं ढूंढे, मिल जाएगा। अत्यंत सयानी हो गई हो तुम वैष्णवी, चलो मंदिर में ही ढूंढ लेते हैं। आओ काकी को कैसे बताएं कि हम मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं? किंतु मंदिर का प्रवेश द्वार तो बंद है और उसकी चाबी तो माँ के पास ही रहती है, आप उन्हीं से जाके। मंदिर की चाबियां तो हम सदैव यहीं रखते हैं, कहाँ गई? वैष्णवी हमारे साथ झुमका अंदर ढूंढो, मंदिर में मध्यम रोशनी है ना, हमें तो ठीक से दिखाई नहीं देने वाला। बच्चों के नए नए होते हैं ना, उनकी दृष्टि तीव्र होती है, हमारी सहायता कर दो। आओ
हजार सत्तर इकहत्तर बहत्तर तिहत्तर ये चंद्र क्या कर रहा है यहाँ? पचहत्तर छिहत्तर सतहत्तर अठहत्तर सारे लड्डू पच गए होंगे अब तक। वास्तव में सौ पूर्ण करने की आवश्यकता नहीं लगती। अच्छा तो ये तुम्हारा नया दंड है? नहीं नहीं दंड नहीं उपहार है। ढेरों लड्डू मिले उपहार में, खाकर पेट भर गया। माँ ने कहा जाओ सौ पग चलो पच जाएंगे, किंतु प्रतीत हो रहा है कि अठहत्तर में ही सारे पच गए। अब और खाने पड़ेंगे। पुरस्कार किस बात के लिए? अच्छा एक बात बताओ पुत्र, क्या तुमने मंदिर की चाबियां कहीं देखी हैं? हाँ वो मैंने माँ के हाथों में देखी थी जब वो दासियों को मंदिर स्वच्छ करने का निर्देश दे रही थी। अच्छा और माँ कहाँ है? माँ वैष्णवी के साथ मंदिर की दिशा में गई है। देखो वैष्णवी मंदिर की चौकी के नीचे ही है झुमका, हमसे तो निकल ही नहीं रहा। वैष्णवी हमारी सहायता करो ना, तुम अपने नन्हे हाथों से झुमका निकाल लोगी, हम कैसे निकालें? अब तो आपको झुमका मिल गया है ना, अब तो चंद्र भी उसे निकाल सकता है। आप यहीं पर प्रतीक्षा कीजिए, हम चंद्र को शीघ्र भेजते हैं। वैष्णवी वैष्णवी कुछ भी छुपा नहीं है हमसे, हमें सब ज्ञात है। चिंतित ना हो वैष्णवी, संभवतः तुमने हमें पहले सुना नहीं। आओ ना झुमका झुमका निकाल दो हमारे लिए, हमें ज्ञात है कि तुम्हें तुम्हारी माँ मंदिर में प्रवेश करने के लिए आज्ञा नहीं देती। हमें कारण तो भान नहीं, किंतु इतना जरूर ज्ञात है कि तुम्हें मंदिर में प्रवेश करने की बड़ी उत्सुकता है ना? चाची सत्य कह रही है क्या? मंदिर के समीप आने पर तो हमें बड़ा कुछ अजब सा ही लगता है। जब वैष्णवी का साक्षात्कार स्वयं भगवान विष्णु से होगा और वो अपना आओ ना आ जाओ मंदिर के अंदर, हम तुम्हारी काकी हैं ना, वचन देते हैं इस बात को गोपनीय रखेंगे। आ जाओ देख लो इसे अंदर से। क्या हुआ वैष्णवी? तुम चिंता ना करो, किसी को भनक नहीं लगेगी। नहीं काकी ये माँ से छुपाने की बात नहीं है, अपनी पुत्री पर एक माँ के विश्वास की बात है। अगर उन्होंने हमें मंदिर में पैर ना रखने के निर्देश दिए हैं तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा। जो भी हो हम उनके निर्णय का आदर करते हैं। हमें तुम पर गर्व है वैष्णवी। आप
तुम्हारे पिता सत्य कहते हैं। हमें भरोसा करना चाहिए तुम पर।